दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। 3 महीने बाद इंडिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टर शिंदे को सबसे बड़ा सम्मान दिया, द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। 18 सालों की सर्विस में शिंदे ने कई केसेस सॉल्व किए थे। इतना बड़ा सम्मान और प्रमोशन मिलने के बावजूद उसे हलचल सी हो रही थी। एक रात न जाने क्यों शराब के नशे में वो रात 1:30 बजे एविडेंस रूम में चला गया। लड़खड़ाते कदमों से धीमी सी ट्यूबलाइट की रोशनी में वो धूल लगे डब्बों को उलट पुलट करने लगा। उसने जमीन पे 4 साल के केस के कागज बिखेर दिए। तब उसकी नजर साहिल के विल पे गई। विल पढ़ने के बाद उसे ये बात अजीब लगी कि साहिल ने 1,12,00,000 रुपए और अपना मकान किसी अनाथ बच्चे के नाम कर दिया था। इस बात को सोचते हुए शिंदे उस रात सीलन की बदबू भरे एविडेंस रूम में ही सो गया। अगली सुबह उसने अपनी टीम को उस बच्चे की जांच पड़ताल करने में लगा दिया। जानकारी के अनुसार शिंदे पंचकनी में उस बच्चे के हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल से पता लगा कि वो बच्चा 3 महीने पहले बीच सेमेस्टर ही हॉस्टल छोड़ चुका था। उसे कोई लीगल गार्डियन साथ ले गया था। उस लीगल गार्डियन का फोन नंबर और एड्रेस दोनों ही गलत थे। हर डिपार्टमेंट को उसने बच्चे की इंफॉर्मेशन ढूंढने में लगा दिया। शिंदे को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर कौन था ये बच्चा और साहिल के फांसी लगने के दिन ही उस बच्चे को कौन ले गया? तब शिंदे को उसकी टीम से फोन आया। शिंदे साहब, वो साहिल के घर से किसी बच्चे की जली हुई लाश मिली है। मकान तो 3 महीने से बंद है, पर फोरेंसिक वाले के अनुसार लाश भी उतनी पुरानी है। शिंदे पंचगनी से मुंबई शाम को पहुंचा और हेड कांस्टेबल शोहेब ने लाश के पास मिली चिट्ठी उसे दी। टाइपराइटर से लिखी ये चिट्ठी साहिल के पिछले कन्फेशन नोट की तरह आढ़े टेढ़े अल्फाजों में लिखी थी। कातिल ने बच्चे की मौत की जिम्मेदारी भी ली, पर कातिल था कौन? उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये वही बच्चा है जिसकी पुलिस को तलाश थी? पिछले कुछ महीनों के CCTV का रिकॉर्ड मंगाया गया, साथ ही साथ वॉचमैन और पड़ोसियों का बयान भी लिया गया। CCTV से कोई सुराग नहीं मिला। सीढ़ी, लिफ्ट, लॉबी, फ्लोर, किसी भी एरिया के फुटेज में ना कभी बच्चा दिखा और ना कभी बच्चे के लाश के लाए जाने के सुराग। अब घर में किसी को जलाना तो नामुमकिन था, फायर अलार्म जो बजने लगता। तो आखिर ये लाश आई कहां से? ये गुत्थी सुलझाने शिंदे रात 12:30 बजे क्राइम सीन पे लौटा और अंधेरे में माचिस जला के सिगरेट पीने लगा। तब उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आया। शिंदे, लड़के का बेसिक जानकारी स्कूल रिकॉर्ड से मैच है, बॉडी का उम्र 8 साल। अब DNA मैच करने को कुछ लेके आओ, तब कंफर्म होगा कि लड़का कौन है। तब अचानक उसे क्राइम सीन के कमरे से टिक टिक की आवाज आने लगी। शिंदे ने फोन काटा और टॉर्च जला के हल्के कदमों से रूम की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, टाइपराइटर की आवाज तेज होती चली गई। शिंदे था तो नास्तिक, पर उसने मन में सारे मंत्र पढ़ लिए। रूम का दरवाजा जैसे ही खोलने की कोशिश की, वो टाइपराइटर की आवाज रुक गई। शिंदे ने अपनी सर्विस गन निकाली और झट से दरवाजे को लात मार के तोड़ दिया। टॉर्च को घुमाते हुए उसने कमरे का कोना कोना छान लिया, पर अंदर कोई नहीं मिला। वो जल्द से पलंग फान के खिड़की की ओर कूदा और तेजी से उसने पर्दा सरकाया, पर खिड़की पे तो लोहे की जाली लगी थी। शिंदे को कुछ समझ नहीं आया। वो पलटा और टाइपराइटर से चिट्ठी निकाल के उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, 4 साल पहले 18 मार्च को तेरा लड़का घूम गया था और वो आज तक नहीं मिला, या शायद आज उसकी जली लाश मिल गई। जा और जाके अपना DNA मैच करा के देख ले। ये पढ़ के शिंदे के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक वो बेबाक अफसर था, पर खोए हुए बच्चे की बात सुन के वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने फोरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल लगाया, पर 1:00 बजे आखिर फोन उठाता कौन? पुरानी सरकारी जीप को फरारी की रफ्तार से चलाते हुए वो फोरेंसिक लैब पहुंचा और अटेंडेंट से बात करके उसने DNA टेस्टिंग शुरू करा दी। अपना सैंपल देके वो मुर्दा घर गया और बच्चे की बॉडी को ध्यान से देखने लगा। कड़क खाकी के पीछे आखिर था तो वो एक बाप ही, जो आज भी अपने बच्चे से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था, पर बॉडी की हालत देख के कुछ समझ नहीं आया। केस अब उलझे हुए मांझे जैसा उलझता ही चला गया। शिंदे थक हार के अपने पुलिस क्वार्टर के खाली घर पहुंचा
और जेब से चिट्ठी निकाल के वो सोचने लगा कि ये सीरियल किलर वाला केस शायद उसके परे है। उस चिट्ठी को वो गौर से परखने लगा और उस टाइपराइटर के बारे में वो सोचने लगा, आखिर कैसे एक टाइपराइटर अपने आप चल सकता है। उसे लगा कि सुराग उसी टाइपराइटर में है। शिंदे की अब उस घर में जाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के लगभग 6 बजे उसने हेड कांस्टेबल शोएब को कॉल करके कहा, शोएब क्राइम सीन से टाइपराइटर लेके मेरे घर आ जा और ग्लोव्स पहन के जाना, सबूत टीम पर नहीं होना मांगता है। शोएब ने हिचकिचाते हुए कहा, साहेब क्राइम सीन का सामान है, मेरे पे सबूत से छेड़छाड़ का कार्रवाई हो जाएगा। ये तू 6 साल से हेड कांस्टेबल है ना, अभी मेरा दिमाग सरकेगा तो 6 साल और खींच देगा मैं, इंतजार मत करा मेरे को। कुछ देर बाद शोएब टाइपराइटर ले आया। टाइपराइटर रख के शिंदे ने उसे क्राइम सीन पे नजर रखने भेज दिया। उसने फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट करने की सारी सामग्री जमा कर रखी थी। लगभग आधे घंटे तक उसने डस्टिंग मेथड से फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर किसी भी की पर कोई निशान नहीं मिला। शिंदे अब हार मान चुका था। उसने गुस्से में टेबल उलट दिया और हर चीज बिखर गई। और तब उसे वो टिक टिक की आवाज फिर सुनाई दी। शिंदे की आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर था। वही आवाज, वही टाइपराइटर। उसने पास रखे टेबल से टूटे हुए कांच की बोतल उठाई और झट से घूमा। घूमते ही उसकी नजर उल्टे पड़े टाइपराइटर पे पड़ी, जो अपने आप ही चल रहा था। शिंदे दबे कदमों से धीरे धीरे उस टाइपराइटर के करीब जाने लगा। टाइपराइटर के करीब पहुंचते ही शिंदे ने उसे पैर से पलट के सीधा किया और वो टाइपराइटर रुक गया। उस कागज पे उसकी नजर पड़ी और देखा कि वो अल्फाजों से भरा था। धीमी चाल में शिंदे नीचे बैठा। उसने वो कागज खींच के निकाला और उसे पढ़ने लगा। वो लेटर पढ़ना शुरू करते ही उसकी आंखें अचंभे से चौड़ी हो गई। शायद 18 सालों में पहली बार शिंदे की आंखों में आंसू आए होंगे। वो चिट्ठी पढ़ के शिंदे जमीन पे बेहाल होके गिर पड़ा और किसी लाचार इंसान की तरह सिसकियां लेके रोने लगा। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था कि शिंदे जैसा कड़क अफसर भी टूट गया? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।